बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर बशीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल एग्रीकल्चर फील्ड। अल्लाह पाक से उम्मीद है आपसे तौर ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। काश्कार भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इस वक्त बारिश हो चुकी है, क्या इस बत्तर पर यूरिया खाद का छट्टा किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जब बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, ये जो बारिश इस वक्त हो चुकी है, अल्लाह पाक की रहमत थी किसानों के लिए, इस पर शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात, ये बारिश ऐसे मौके पर हुई है कि यूरिया के अलावा फास्फोरस की खाद भी डालने का वक्त आ गया है। काश्कार भाइयों, वो दोस्त किसान भाई जिनको बिजाई के वक्त यूरिया खाद नहीं मिली थी या वो नहीं डाल सके, उनके लिए बेहतरीन मौका है। एक तो बारिश ने कमी पूरी कर दी है, दूसरा बत्तर बहुत अच्छा है, तो यूरिया का छट्टा कर देना चाहिए। जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई है वो नाइट्रोफॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास मामूली बूंदाबांदी हुई है, इसलिए बत्तर बहुत अच्छा बन गया है जिस पर यूरिया खाद का छट्टा किया जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कम बारिश होने की वजह से यूरिया का छट्टा ही किया जा सकता है। अगर जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई है वो नाइट्रोफॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं छट्टे की सूरत में। इसके बाद आज सुबह धुंध भी पड़ी थी, धुंध में गंदम की जो जड़ें हैं वो ऊपर से ही खुराक हासिल कर लेती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, किसान भाइयों, बारिश के इस वक्त को खुश होने से पहले पहले यूरिया खाद का छट्टा कर दें और अपनी पैदावार जो है वो बेहतरीन कर लें। ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।